को बैठा दिया और देश का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन जिस दिन से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने एक भी काम गरीबों के लिए नहीं किया है। जो भी काम किया है उन्होंने सारे के सारे काम पूंजीपतियों के लिए किए हैं। चाहे आपके अदानी हो, चाहे अंबानी हो, 1,14,000 करोड़ का कर्जा इन पूंजीपतियों का माफ कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मजदूर किसान रोज मर रहे हैं, उनकी तरफ मोदी जी का ध्यान नहीं है। उनका तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और इसके तहत एक भी विदेश के आदमी ने आकर के आज तक कोई काम नहीं किया है। बल्कि देश में जो पहले से लोग काम कर रहे थे वे भी अपने पैसे को लेकर के वापस अपने अपने देश जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस देश के प्रधानमंत्री की नीयत पर भरोसा नहीं है, इस देश की व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे लोग इस देश का साथ छोड़ रहे हैं। और इधर चारों तरफ अपने दुश्मन भी बना रहे हैं। एक तरफ तो दोस्ती करते हुए विदेशों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ मुझे मारने के अलावा कोई दोस्त नहीं बन पा रहा है, हर जगह विरोध हो जाता है। आज चीन भी पूरी ताकत के साथ भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो ऐसी विदेश नीति से क्या फायदा जिससे के दुश्मन पैदा किए जाते हो। इसलिए आज मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने कभी चाय नहीं बेची। मोदी जी एक धनवान बाप के बेटा है, दामोदर राव के बेटा है, दामोदर मोदी के बेटा है, और वो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। इसलिए मान्यवर कांतिराम साहब ने इन गरीबों को समझाने के लिए ये जो नारा दिया था, इस नारे को इन बीजेपी के लोगों ने कैच किया और इनको गुमराह किया, और आज तक आप लोग अपनी बात को भूल गए। बाबा साहब ने क्या कहा था, मान्यवर कांतिराम साहब ने क्या कहा था, आप लोग भुलक्कड़ हैं, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हमारा अपमान कब कब कहाँ कहाँ हुआ है। इस देश के अंदर न जाने कितने अत्याचार हुए, कितने हत्याकांड हुए, कितने ये सहारनपुर नहीं, जब से इस देश के अंदर ये चातुर्वर्ण व्यवस्था बनी है तब से लेकर के आज तक जुल्म ही जुल्म होते आए हैं। लेकिन आप लोग 8 दिन में भूल जाते हैं और फिर उसे याद नहीं रख पाते। इसलिए मेरा मनोहर कांतिराम साहब ने जो कहा था ये बताना है कि आप लोगों को याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। जो ये सहारनपुर का कांड और जो उसके बाद बहन मायावती जी ने राज्यसभा में उस कांड पर बोलने के लिए जो अपनी बात रखी थी, आज आप जो बहन मायावती को इन बीजेपी के लोगों ने राज्यसभा में बोलने नहीं दिया है, इस बात को आज आपको याद रखना है। जब तक 2019 में इस बात का बदला न ले लो तब तक इस बात को भूलना नहीं है। आप यहाँ से ये तैयार करो कि हमें ये मोदी जी से ये बदला लेना है, बीजेपी से बदला लेना है, जो उन्होंने राज्यसभा में बहन मायावती के साथ जो ये व्यवहार किया था, हम इसका बदला लेकर के रहेंगे। इसलिए मान्यवर कांतिराम साहब ने ये बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग सन 1989 में 3 MP और 13 MLA जीत के आए थे, और उसमें बहन मायावती जी बिजनौर से जीत के आई थी, और उसके बाद 1990 में ये बाबरी मस्जिद जो कांड हुआ, ये राम मंदिर के नाम पर जो यहाँ पर घिनौनी राजनीति हुई और देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुए, उस दंगों में जो बिजनौर के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम चला था, तो बहन मायावती जी ने लोकसभा को 3 दिन तक चलने नहीं दिया था। हमारे सिर्फ 3 MP थे, BSP के 3 MPs ने पूरी लोकसभा को नहीं चलने दिया था, और आज बीजेपी के पास न जाने कितने MP लोकसभा में, कितने लोग राज्यसभा में हैं, एक भी इस आरक्षण के समर्थन में नहीं बोलता, एक भी आदमी सहारनपुर के अंदर जो घटना घटी है उनमें लोकसभा में नहीं बोलते, तो ये किस बात के रिजर्व सीट पर जीत के जाते हैं, ये सबके सब गुलाम है, चाहे कोई भी है। अभी हमारे अध्यक्ष जी के नाम गिनाए थे, चाहे वो 8 वाले हैं, चाहे उदित राज हैं, चाहे आपके रामविलास पासवान है, ये सब के सब एक भी अपना मुंह नहीं खोल सकते लोकसभा में। क्यों? क्योंकि ये RSS और BJP के गुलाम हैं। अगर राज्यसभा में बहन मायावती ने हर बार जो आवाज उठाई है, चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के उठाई है,
चाहे घटनाओं को लेकर के उठाई है, चाहे बिजनौर को लेकर के उठाई है, चारों तरफ बहन मायावती जी ने राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, अकेले राज्यसभा की बात नहीं, जब जब भी बहन मायावती जी लोकसभा में चुनकर आई है, एक दो बार नहीं आई, कई बार चुन करके आई है, चाहे अम्बेडकर नगर से आई हो, चाहे बिजनौर से आई हो, चाहे हरिद्वार से आई हो, जहां से भी चुन करके आई, बहन जी ने हमेशा लोकसभा के अंदर अपनी बात को पूरी ताकत के साथ रखा था। लेकिन आज इन कांग्रेस बीजेपी के या अन्य पार्टियों के जो दूसरी पार्टियों से इस रिजर्वेशन के बल पर एमपी चुनाव जीत के जाते, एक का भी मुंह नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी में जितने भी रिजर्वेशन से चुनाव जीत के जाते हैं, वे कभी तुम्हारे नहीं होते, गरीबों के नहीं होते, वे तो अमीरों के होते हैं। जो वो कहेंगे वही बात उन्हें कहनी पड़ेगी, वरना तो अगले दिन पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहन जी की इस बात को याद रखना है कि उन्होंने राज्यसभा के अंदर जो बात रखना चाहिए थी, जो सहारनपुर के मैटर पर रखनी चाहिए थी, और इन बीजेपी के लोगों ने शोर शराबा करके बहन जी को बोलने नहीं दिया, और बहन जी ने कहा कि मैं अब इस राज्यसभा की बजाय मैं समाज के बीच में जाऊंगी, मैं लोगों के बीच में जाऊंगी, जनता के बीच में जाऊंगी, और उन्होंने अपना प्रोग्राम भी बना दिया है, और वो पूरी तरीके से आप देश के अंदर कोने कोने में जाकर के समाज को जगाने का काम करेंगे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने हमेशा धोखा किया है, जैसे कभी राजा राम ने पाली का हत्या की तो धोखे से की थी, अगर रावण को मारा तो धोखे से मारा था, अगर एकलव्य का ऊंटा द्रोणाचार्य ने लिया तो धोखे से लिया था, अगर कृष्ण ने कर्ण को मारा तो धोखे से मारा था। इसी प्रकार इन बीजेपी के लोगों ने, इन मोदी जी ने लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके बहन मायावती को हराया था, ये धोखे से हराया था, अन्यथा तो बहन मायावती जी भारी मतों से जीत कराती और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती। लेकिन कोई बात नहीं है, अगर ये एक बार इन्होंने हरा दिया, लेकिन अब हम चौकन्ना हो गए, क्योंकि हमको पता नहीं था, हमको ध्यान नहीं था कि ये इतने निचले स्तर तक गिर सकते हैं, ये इतने बुरी बातें कर सकते हैं, और इसकी जो बुराइयां हुई हैं वो विदेशों में भी हुई हैं। इसलिए हम लोगों को आगे को तैयार होना है, समाज को तैयार करना है, हर समाज के बीच में जाना है, भाईचारा बनाना है, समाज के नौजवानों को तैयार करना है, जो हमारे पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें और हमें एक न एक दिन जाना है इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन हम अपने पीछे ऐसी टीम तैयार करके जाएं, ऐसा संगठन तैयार करके जाएं कि वे लोग इस मिशन को अपनी मंजिल तक पहुंचा करके रहे, कहीं बीच में ना रह जाए। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि आप सब लोगों को अपने नौजवान बच्चों को भी राजनीति सिखाना है, भले वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करते करते भी उनको ये समझाना है कि बेटा ये नौकरी तो पेट भरने के लिए है, लेकिन सम्मान के लिए अगर कोई चीज है तो राजनीति है, उनको राजनीति सिखा करके जाना है, और उनको मीटिंगों में लाना है, उनको समझाना है पूरी तरीके से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जल्दी ही आपके बीच में दिल्ली प्रदेश में बहन मायावती जी का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम की डेट भी आपको पहुंचा दी जाएगी, और कल हमारी मासिक मीटिंग है, उस मासिक मीटिंग में भी हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन लोगों को कल डॉक्टर अम्बेडकर भवन पर आना है, वहाँ पर हम अपनी अगली रणनीति आपको बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माहौल ऐसा नहीं बन पड़ा। आज यहाँ पर 24 धरना प्रदर्शन है, 24 पार्टियों के चारों तरफ शोर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम विषम परिस्थितियों में आप लोगों को अपने इस संदेश को, बहन मायावती जी के संदेश को आप तक पहुँचाने के लिए आए हैं। अगर आपको मान सम्मान का जीवन जीना है, अगर अपने बच्चों को नौकरी पे लगाना है, अगर अपने बच्चों को सम्मान का जीवन जीना है, तो आप लोगों को कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, आप लोगों को त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए आज यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाओगे कि राज्यसभा में बहन मायावती जी का अपमान हुआ है, हम उस अपमान का बदला
हम आगामी 2019 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम एक एक सीट पर इन बीजेपी के लोगों को हराकर बहुजन समाज पार्टी को जिताकर हम उसका बदला लेंगे। और पूरी तरीके से आज जो मैं आप लोगों के अंदर जोश देख रहा हूँ उसके लिए मैं आपके दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे माहौल में जबकि जब घर से निकलने का समय होता है 8 बजे से लगातार बारिश हो रही थी और मैं भी देख रहा था कि 11 बजे तक ये बारिश नहीं रुकी, लेकिन आप लोग रुके नहीं। और ऐसे माहौल में दिल्ली से निकलना बहुत भारी होता है। हाँ, बाहर विदेश प्रदेश से आते हैं, यूपी से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से, तो वे तो कल गाड़ी से चलते तो यहाँ इकट्ठे हो सकते थे, लेकिन दिल्ली से सुबह निकलना बारिश के बीच में आप लोगों ने जो काम किया है मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने आज वास्तव में मन से काम किया है, दिल से काम किया है। अगर इसी प्रकार आप लोग डटे रहे मैदान में, अपनी अपनी विधानसभा में, अपने अपने सेक्टर में, अपने अपने जिले में, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2019 में आप जरूर बदलाव लेकर के रहेंगे, कभी चूकेंगे नहीं। इसलिए आज मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ, पुराने इतिहास को भी याद रखो, जो अपना पुराना इतिहास भूल जाता है वो कभी सम्मान नहीं पा सकता, जो वो कभी अपना नया इतिहास नहीं लिख सकता। इसलिए अगर आपको अपना नया इतिहास लिखना है तो आपको अपना पुराना इतिहास याद करना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, माननीय कांशीराम साहब ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उसी प्रकार हमें भी आने वाले समाज के लिए, आने वाले बच्चों के लिए अपनी कुर्बानी दे करके जाना है, उन्हें सम्मान दिला करके जाना है, पीछे नहीं हटना है, तभी आपका ये जीवन का पूरा तरीके से पालन होगा। वरना तो आते हैं और चले जाते हैं, और मरते तो सभी हैं और जीते भी सभी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अमर रहा हो, सबको मरना है, एक न एक दिन मरना है, और जब मरना है तो फिर हमें शेर जैसा जीवन जीना चाहिए, कीदर जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, बलि हमेशा बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। अरे तुम शेर बन जाओ, फिर तुम्हें कोई छेड़ने वाला पैदा नहीं होगा। आप मजबूती के साथ फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार न मांगे मिले कभी, अधिकार को छीने जाते हैं। आप शांति के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको अनुशासन में रहना है, अनुशासन बनाना है। जिनको भी कोई परेशानी है वो अपनी परेशानी बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन एकांत में बैठ करके कभी पब्लिक के बीच में मनोबल नहीं कराना है, मनोबल को कभी डाउन नहीं करना है, हमेशा अपने मनोबल को हाई रखना है, तभी आप लोग किसी मंजिल पे पहुंच पाएंगे जहां मनोबल गिर जाता है, आदमी की मौत वही हो जाती है। इसलिए मनोबल को ना गिराते हुए, मनोबल को हाई रखते हुए आज मैं यहां पर एक ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे बीच में हरियाणा से सुरेंद्र कालोरिया जी हैं, जिनको इधर बहन जी ने लगाया है, अभी कल ही लगाया है, तो वे नजफगढ़ लोकसभा के प्रभारी बना करके इनको भेजा है, ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके। और हमारे एक साथी भाई लालजी मेधांकर जी को भी बहन जी ने राजस्थान में लगाया है, मैं कल उन दोनों के बारे में बातचीत हुई थी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बीच में शायद आज शाहिद अली जी आए हैं या नहीं आए हैं, शाहिद अली जी हो तो जरा हाथ उठा दे, क्यों नहीं, शायद वो अपने कोर्ट में, जैसे कोर्ट में नहीं आ पाए हैं, मैं मिलूंगा उनसे बाद में। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि आप सब लोग जैसे जोश के साथ आए हैं वैसे ही इस जोश को बिल्कुल बरकरार रखेंगे, और अपने पुराने इतिहास को याद करते हुए इनके झूठ को खत्म करने के लिए बीजेपी आरएसएस ये दोनों खतरनाक हैं, इन दोनों ने बहुत झूठ के आधार पर तोड़ फोड़ करके दूसरे के घरों को ये तोड़ते हैं, कभी इन्होंने जोड़ने का काम नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी जोड़ने का काम करती है, भाईचारा बनाने का काम करती है, और जब तक हम लोग आपस में भाईचारा नहीं बनाएंगे, जब तक इस देश का ये मनुवाद तुम सब पर हावी रहेगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि हर समाज को सम्मान मिले,
हर समाज को काम मिले, हर व्यक्ति की इज्जत हो, तो आप लोगों को माननीय कांशीराम साहब के इस पर ध्यान देना होगा क्या कि भाईचारा बनाना होगा। और हमने आज बहुत सारे हमारे जो वाल्मीकि समाज के भी भाई हैं, उनके भी हमने भाईचारा कमेटी बनाई है। और ब्रजमोहन खरोटिया जी जो उत्तर पूर्वी लोकसभा पर हैं, वे अपना उधर से काम शुरू करेंगे और एक साथ ही हमारे बीच में और जुड़े हैं। इस समय शायद उनका नाम भी सुरेंद्र है, मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा याद करूंगा। और यही नहीं, हमारे प्रजापति समाज में भाई राजवीर प्रजापति जी, हमारे भाई ये नाई समाज में जोगेंद्र सेन जी, हमारे सांसी समाज में अशोक सांसी जी पूरी ईमानदारी के साथ समाजों को जोड़ने में लगे हुए हैं। और चार भाईचारा भी हम लोग इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। हर मुस्लिम समाज भी भाईचारा के साथ हम सब एक दूसरे समाज को एक दूसरे के साथ जोड़कर हम जिस दिन बहुजन समाज बन जाएगा, उस दिन बहुजन समाज पार्टी को कोई ताकत में आने से रोक नहीं पाएगा। इसलिए हमें भाईचारा बनाना है, हर समाज के बीच में जाना है, हर मोहल्ले में जाना है, हर गली में जाना है, लोगों को जोड़ना है। तोड़ना नहीं है, तोड़ने का काम आरएसएस बीजेपी के लोग करते हैं, जोड़ने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस जोश को यहाँ से बरकरार बना करके, यहाँ से लेकर के 2019 तक और उससे पहले बहन मायावती जी का जो कार्यक्रम होगा, उसमें आप लोग अपने अपने पोलिंग बूथ की कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, ये सब तैयार करके उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जो लोग पूरी तरीके से समाज को जोड़ने का काम करेंगे, भाईचारा बनाने का काम करेंगे। और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो हाथ उठा के बताओ कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। हम लोग इस आने वाले 2019 के लोकसभा के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी से हम बदला लेकर के रहेंगे और 2019 में बहन मायावती को इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगा। समाज में जागरूकता आ रही है, समाज जाग रहा है, गरीब लोग जाग रहे हैं, हर समाज के लोग जाग रहे हैं। सब जानते हैं कि मोदी जी ने 3 साल में झूठ ही झूठ बोला है, झूठ ही झूठ बोला है, कोई सही काम नहीं किया है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। और मीटिंग समाप्त होती है, सब लोग शांति के साथ अपने अपने घर जाएंगे और नारे लगाएंगे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।